खुराना, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, सुनो। प्लान ये है कि जैसे मैं 14 तारीख की सुबह महाबलेश्वर पहुंचूंगा, तुम्हें टेलीफोन करूंगा। तुम सीधे मेरे घर जाना, वहां से एक बैग लेना और महाबलेश्वर बोट हाउस लेक के लिए रवाना हो जाना। ओके, राइट। डेफिनेटली रघु तुम्हें फॉलो करेगा। 15 तारीख को मुझे बॉम्बे कोर्ट में हाजिर होना है रघु वाले केस में। महाबलेश्वर से पूना एयरपोर्ट का 3 घंटे का रास्ता है। रघु मेरा वहां भी पीछा करेगा। जब मैं काउंटर से बॉम्बे की टिकट खरीदूंगा, तभी मैं 16 तारीख की वापसी की टिकट भी खरीद लूंगा। क्यों? रघु डेफिनेटली ये भी जानने की कोशिश करेगा कि मैं वापस कब आ रहा हूं, और उसे ये खबर मिलेगी कि मैं दूसरे दिन यानी कि 16 तारीख की सुबह वापस आ रहा हूं। राइट राइट। लेकिन मैं कोर्ट में अपना काम खत्म करके उसी शाम को अपनी गाड़ी से महाबलेश्वर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये तो तब मुमकिन है जब फैसला तुम्हारे हक में हो। वो तुम मुझ पे छोड़ दो खुराना। हाँ, जो मैंने तुम्हें काम बताया था वो हो गया? हाँ, मैंने जेल जाकर पता लगाया, तुम्हारा शक सही था। इसका मतलब है तुम अपनी बीवी और बेटी को बकरी की तरह पेड़ से बांध के मचान पे बैठो। अंजू, अंजू पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसकी कोशिश यही थी कि हम बर्दाश्त के हद से बाहर आकर कोई ऐसी गलती करें जो कानून के खिलाफ हो, और वही हुआ। हम उसके इरादे से वाकिफ हैं और अब हमारी यही कोशिश है कि उसको यकीन हो जाए कि आप और रक्षा बोट हाउस लेक पर अकेले हैं और वो अपना इरादा पूरा कर सकता है। सिर्फ इतना कि खुराना और मैं वहां छुपे होंगे और उसके इरादे को पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन तब तक उसने वो गलती कर ली होगी जिससे तुम उसे गोली मार सकोगे, है ना? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन वो गोली एक मासूम की जान और इज्जत बचाने के लिए होगी, एक खतरनाक जानवर को रोकने के लिए होगी और कानून की तरफ से होगी। कोई बात नहीं, खुराना तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा, और वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाड़ी लेकर शाम के 6 बजे तक यहां पहुंच जाऊं। और सुनो, जाने से पहले एक और काम करते जाओ। क्या? मुझे माफ करते जाओ। इतने दिन तुम मेरी और रक्षा की हिफाजत की फिक्र में थे और मैं तुमसे अलग होने की फिक्र में थी, तुमसे दूर जा रही थी। अब कहाँ हो, दूर या पास? पास, और पास आने की इजाजत चाहती हूं। गौतम मेहरा साहब की वापसी फ्लाइट कब है? तुम कौन हो? जी मैं उनका ड्राइवर हूँ।
मैं पूछना भूल गया और वो बताना भूल गए। वो आज नहीं, कल सुबह के फ्लाइट से वापस आएंगे। धन्यवाद जी। रोनर, एक कानून जानने वाले का मुजरिमों के कटहरे में खड़ा होना इस बात का सबूत है कि कानून में बहुत सी कमजोरियां हैं। मैंने रघुवीर सिंह नाम के एक इंसान को गुंडों से पिटवाया, इस बात से इनकार नहीं करूंगा और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मैं अदालत से अपनी सफाई के लिए दो गवाह पेश करने की और उनसे पूछताछ करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है एडवोकेट जसवंत लाल। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जसवंत लाल जी, आप मुझे कब से जानते हैं? तकरीबन 8 साल से। आपको याद होगा आपने एक बार मेरे लिए मेरी गैर हाजिरी में एक केस लड़ा था। जी जी हाँ। कब? कोई 4-1 महीने पहले, 9 अक्टूबर को। क्या बना उस केस का? फैसला हमारे खिलाफ हुआ था। क्या इस वजह से मैंने आपको बुरा भला कहा? जी हाँ, आपने मेरी बेइज्जती की, मुझे ह्यूमिलिएट किया। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसी बेइज्जती की वजह से मैं रघु का केस लड़ रहा हूं तो आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघु खुद अपना केस लेकर मेरे पास आया था, मैं नहीं गया था रघु के पास केस लेने। आप रघु से कब मिले? उसी रोज जिस रोज कमिश्नर साहब से कहकर आपने उसे गिरफ्तार करवाया था, 15 जनवरी को। Are you sure? क्या आपको पूरा यकीन है? Of course, आपको शक है। आप शायद भूल रहे हैं वकील साहब कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है, और आप शायद ये भी भूल रहे हैं कि मैं भी वकील हूं। That's all your honor. मेरा अगला गवाह है जेलर इकबाल सिंह। मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जेलर साहब, रघु जेल से कब छूटा? 30 दिसंबर को। आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी हाँ। इसे आखिरी बार आपने कब देखा? 30 दिसंबर की सुबह। कहाँ? जेल में। क्या वो आदमी इस वक्त इस अदालत में है? जी हाँ। बताइए कौन है वो? वो योर ऑनर, आज से 7 साल पहले इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर मैंने जो कुछ भी रघुवीर सिंह के खिलाफ कहा था वो सच था, लेकिन उस सच ने रघुवीर को मेरा दुश्मन बना दिया। जेल से रिहा होकर उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, मेरी बीवी मेरी बेटी को डराना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे वो कानूनी गिरफ्त में आ सकता, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल ने उसे कानूनी दांव पे सिखा दिया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे हम पेशा दोस्त इस तरह के ताने बाने बुनकर अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दा डाल नहीं रहा योर ऑनर, बल्कि पर्दा हटा रहा उस राज का जिसके तहत मिस्टर जसवंत लाल 30 दिसंबर को रघु से मिलने जेल में गए थे और उसे मेरे खिलाफ उकसाया था, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल को मुझसे बदला लेना था, उस बेइज्जती का बदला जो मैंने गुस्से में आकर की थी मुकदमा हार जाने पर। योर ऑनर, जब मेरी बेटी मेरी बीवी दोनों की जान दोनों की इज्जत खतरे में थी, तब कानून मेरे सामने एक ऐसे अंधे इंसान की तरह खड़ा था जो बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता था, और मेरे पास उसे हरकत में लाने का उसे चलाने का कोई सहारा नहीं था, कोई तरीका नहीं था। कानून मजबूर होकर अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन मैं उस मजबूरी को कबूल नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि मेरे अंदर एक इंसान है, एक वकील है, और कानून के अंदर सिर्फ लफ्ज लफ्ज और लफ्ज हैं। एक वकील होकर मैंने कानून की हार तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि जिन हालात ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है उन्हीं हालात ने कानून के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कानून जुर्म होने के बाद उसे साबित करने और सजा देने के लिए है? क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम जुर्म होने से पहले जुर्म करने वाले को उसकी नीयत को उसके इरादे को पहचान सकें?
ताकि इंसानी जिंदगी को सजा नाम की हकीकत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। That's all, Your Honor. मिस्टर गौतम मेहरा की जाति रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उन्हें 2,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। देखा गौतम, आप में विश्वास में कितनी ताकत है। अगर तुम सब धीरे से काम लेते तो क्या नहीं कर सकते थे। फिर भी मुझे कोई गम नहीं सान साहब, अगर मुझे दोबारा कभी रघु जैसे हैवान के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत का सवाल है, मैं उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं।